पोलीस वाले त्यांना लाठीचार्ज करा पाठीमागच्या लोकांना इतका मारा का त्यांची हड्डी तुटून जाईल मारा त्यांना। ये हैं महाराष्ट्र के डबल इंजन सरकार के मंत्री महोदय। मंत्री महोदय के जन्मदिन का कार्यक्रम था। मंत्री महोदय ने पूरी तैयारी कर रखी थी, मंत्री महोदय ने पूरी महफिल सजा रखी थी, लेकिन मंत्री महोदय को गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो मंत्री महोदय ने जनता के लिए पुलिस वालों से कह दिया, यहाँ हजार हजार पुलिस वाले हैं, इन लोगों को कुत्ते की तरह पीटो। अरे पुलिस वाले त्यांना लाठीचार्ज करा पाठीमागच्या लोकांना इतका मारा का त्यांची हड्डी। दोस्तों एकनाथ शिंदे के साथ अपनी पार्टी तोड़कर अब्दुल सत्तार बने महाराष्ट्र में मंत्री, और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री का जन्मदिन का कार्यक्रम था। लेकिन इस कार्यक्रम में मंत्री जी पब्लिक जब बेकाबू हुई तो नाराज हो गए, माइक उठाया और उसके बाद ऐसी गाली गलौज की कि सुनने वालों के कान के पर्दे फट जाए। मंत्री जी गाली बकते हुए बकायदा माइक में लोगों को लताड़ते हुए कहने लगे, शांति से बैठो या फिर जाओ, ए पुलिस वाले तुम लाठीचार्ज करो इन पर, इन्हें इतना मारो कि इनकी बीप की हड्डियां टूट जाएं, पुलिस वालों मारो इन्हें, शांति से बैठो। बीप, क्या तुम्हारे बाप ने ऐसा कोई कार्यक्रम देखा है? क्या तुम राक्षस हो? इंसान के बच्चे हो तो उसी तरह बर्ताव करो, बैठो और प्रोग्राम के मजे लो, 1000 पुलिस वाले हैं, इन्हें मारो और जेल में डालो। बताइए, महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार भीड़ में बेकाबू जनता से कह रहे हैं, इंसान के बच्चे हो तो इंसान की तरह बैठो, और खुद उनकी जुबान तो किसी भी हाल में सभ्य इंसान जैसी लग नहीं रही। दोस्तों ये जो गाली गलौज महाराष्ट्र के मंत्री महोदय ने अपने कार्यक्रम में की है, ये इनके जन्मदिन का कार्यक्रम था। बाकायदा उनके जन्मदिन के लिए लावणी नृत्य का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मशहूर गौतमी पाटिल नाम की एक डांसर है, उनको बुलाया गया था। पूरा मंच से लेकर पूरी महफिल सजी हुई थी, लेकिन जैसे ही भीड़ बेकाबू हुई मंत्री जी नाराज हो गए और पुलिस वालों को बकायदा मंच से आदेश देने लगे कि इनकी हड्डियां तोड़ दो। कहां कहां की हड्डियां तोड़ दो ये मैं आपको सुना भी नहीं सकती। खुलेआम गाली गलौज, खुलेआम लोगों को धमकाना और ये बताना कि लाइन पे आ जाओ और इंसानों की तरह व्यवहार करो। बताइए दोस्तों, ऐसे लोग हमारे देश में मंत्री बना दिए जाते हैं, ऐसे लोग विधानसभा में बैठ के राज्यों के लिए कानून बनाते हैं। सोचिए ऐसे लोगों की पब्लिक हैंडलिंग अपने जन्मदिन के दिन बेकाबू भीड़ पर ऐसी है, तो ये लोगों के साथ जो इनसे मदद की गुहार लगाने के लिए आते होंगे उनका क्या ही हश्र करते होंगे। दोस्तों वैसे बीजेपी के लिए भी दाद देने वाली बात है, कहीं बीजेपी आईटी सेल के मेंबर गैंगरेप के आरोपी के तौर पर पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं डबल इंजन सरकार में मंत्री महोदय खुलेआम जनता के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। वैसे मंत्री अब्दुल सत्तार जी, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से तो पीटना कुत्तों को भी नहीं चाहिए। एक सभ्य समाज में अगर कोई इंसान कुत्तों को पीट रहा है ना, तो वो इंसान कहने के लायक नहीं है। लेकिन आप तो इंसानों के लिए कह रहे हैं पुलिस वालों से कि इनको कुत्तों की तरह पीटो। जब आप इंसान को कुत्ते के बराबर समझते हैं तो कुत्ते के साथ तो आप क्या ही करते होंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप चैनल की मदद भी कर सकते हैं।